जोहार दोस्तों, मैं सावित्री और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों अभी सुबह सुबह थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि हम लोग मिस्त्री जो ढूंढे थे, लेबर जो ढूंढे थे, वो आ चुका है और उनको घर नहीं पता, तो रोड में खड़ा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अगर फिर देखेंगे पैसा वैसा में होगा कि नहीं होगा, ज्यादा होगा ना कम होगा, तो फिर दूसरा ढूंढना पड़ेगा। तभी सारा सामान ले लिया, सुबह सुबह पहला किरण में ही हम लोग निकल पड़े। तो दोस्तों अभी हम लोग रोड में खड़े हैं, बोले तो इधर एक जिधर हमारा घर बन रहा है उधर एक छोटा सा रोड है, उसमें हम लोग खड़े हैं, मैं और गणेश जी, और हम लोग अपना लेबर का ही इंतजार कर रहे हैं। वो लोग बोले कि आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, तो वही हम लोग वेट करें कि आएंगे, फिर हम लोग साथ में ही निकलेंगे यहाँ से और देखते हैं कैसे क्या हो। तो दोस्तों मैंने एक बार बिना नहा के मैं बनाई, और एक बार शायद मैं बिना नहा के बनाई थी ना गणेश जी। हाँ, आज सुबह सुबह मैंने सिर्फ चावल दाल और रोटी मल के, आटा मल के रख दी हूँ, और मम्मी बोली आज स्पेशली बैगन का भरता बनाएंगे सब्जी में, तो जल्दी जल्दी बना के अभी हम लोग निकल गए। भाई मैं तो नहा धो के रहता हूँ, मेरे गणेश जी सुबह ही नहा लेते हैं, मैं भी नहाती हूँ, लेकिन काम था ना, पोछा उछा था, तो लेट हो गई। मैं तो 6 बजे नहा ली, पूजा पाठ करके मेरे गणेश जी रेडी है। दोस्तों सुबह सुबह सबसे पहले हमारे रोडी आके तैयार है, रोडी हम आपके लिए रोटी लाए हैं, ये लीजिए, इधर 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 खा खा। ये अंकल लोग जो आए हैं ये लोग भी यही के हैं, तो चार्ज में हम लोग का पटा ही नहीं, 7 फुट का गड्ढा में 12,000 पैसा। हम लोग यहाँ पे पहुंचे और देखिए इधर का जो त्रिपाल था वो भी उड़ गया है, कल इतनी बारिश आई रात को, और इधर भी सारा एकदम उड़ गया है। अब देखते हैं इधर से पानी पास, बोरे में पानी बिल्कुल लग गया सारा सीमेंट, अरे बाबा पूरा उड़ गया जी, जल्दी खोलिए ना प्लीज। दोस्तों कल इतना आंधी तूफान आया कि जो हमारे पीछे में जो पेड़ था वो पेड़ अपने आप गिर गया, तो वही 2-3 लेबर इधर जा रहे थे बगान तरफ साफ करने के लिए, तो हम लोग बुला लिए, बोले कि 150 दे देते हैं इसको, सिर्फ वहाँ से हटा दीजिए, तो वही लोग घिसका के इधर साइड में कर दिए, एकदम गिर गया था, उसका जड़ से एकदम अलग हो गया था। दोस्तों अभी फिलहाल थके हारे छत्तीसगढ़िया को ढूंढ ढूंढ के परेशान हुए, और अभी आए हैं एक होटल, जलपान कुछ कर लेते हैं, फिर निकलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़िया ढूंढने। कुछ भैया आए थे हमारे वहाँ पर, लेकिन इतना रेट बोल दिए कि हम लोग सक्षम ही नहीं हो पाए, और वो छत्तीसगढ़ी नहीं मिले थे, वो यहीं के थे, तो फिर से ढूंढेंगे, खा लेते पहले। इधर से हमारे टेबल पे आ चुके हैं खाना, 4 बज रहा है शाम के, ढूंढ ढूंढ के 4 बजे हमारी प्लेट में खाना आए, घर जाएंगे तो और लेट होगा, इसलिए इधर ही सोचे खाना। यहाँ पर हमारी काम चालू है, अब वहाँ पर जो बाथरूम का टैंक बना रहे थे वहाँ पर ऊपर में अब ढलाई का ये कर रहे हैं, लेकिन नीचे वैसे ही खाली है, हमें मजदूर ही नहीं मिली, कैसे भरण करे, अगर मिला तो इतना रेट। दोस्तों ये जो गणेश जी हमारे पैसे गिन रहे हैं, एक्चुअली अभी मिस्त्री को देना है 10,000, और काम का अते पते नहीं चल रहा है, क्या जो करे समझ में नहीं आ रहा। अभी हम ही लोग जाएंगे और थोड़ा सा तार को इधर उधर मोड़ देंगे, अच्छा से बांध देंगे, ये लोग को जाने देते, फिर हम लोग अपना काम चालू करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक बार फिर से गिन के देना बस, और एक बार गिन लो, अब देते समय ठीक। तो क्या बोला वो कि 2 ही त्रिपाल, मैं बोली कि 3 त्रिपाल है शायद। तो दोस्तों कल जो हुआ ना, कल बारिश से हमारी कम से कम 7-8 बोरा सीमेंट में भीग गया है, ये छपरी में ठीक से नहीं बनाया, रात में आया था पी पा के भैया लो, और कैसे जो बना दिया है, चारों तरफ पानी आ जाती है, फिर ताला वाला है इसी को ढक देते हैं हम लोग दोनों मिलके, क्योंकि मैं भी जा रही, ईटा लाना पड़ेगा ना, ईटा लाना पड़ेगा। शाम के 6:30 बज रहे हैं और फिर से वैसे ही काला बादल छा के एकदम क्या बोले भरपूर गजगजा के है, और मैं दिखाती हूँ आज का काम हमारा कितना हुआ, मैं और गणेश जी साथ साथ में कदम से कदम मिला के काम किए। और दोस्तों ये गड्ढा आज भी नहीं हुआ, आज भी हम लोग ढूंढने गए थे छत्तीसगढ़ी भैया, लेकिन नहीं मिले, एक छत्तीसगढ़ के अंकल मिले तो बोले कल आएंगे, अब कल आएंगे तो गणेश जी बताएंगे कि कल काम होगा ना, अभी 10-15 दिन के बाद काम चालू होगा, क्योंकि हाँ थैला ले गया, अच्छा ठीक है ले जाने दीजिए, आपका दोस्त है 2-3 जगह के, तो कोई बोला 9,000, कोई बोला 4,000, और 4,000 जो बोला वो आया ही नहीं, जो 9,000 बोला हम लोग ने कहा कि नहीं आपको 6,000 तक देंगे, तो वो भी नहीं आया। और अभी फिर से गए थे हम लोग शाम को ढूंढने के लिए, तो वो अंकल बोले कल सुबह आऊँगा और देख लूँगा, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा कैसा रेट लगाएंगे कैसा नहीं। तो दोस्तों हमारी काम जो है मैं दिखाती हूँ कितना, हम लोग को जल्दी घर जाना पड़ेगा क्योंकि बादल गरज रही है, और ये देख सकते हैं ये चारों तरफ सलाखा लग गई है, सलाखा ना क्या बोलते गणेश जी, क्या बोले, बीम का पिंजरा,
विम का पिंजरा चारों तरफ से थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया, बाद में मतलब और 15 दिन बाद अच्छा खासा हम लोग को मिला है काम करने वाले। तो ये दोस्तों देख सकते हैं ये चारों तरफ से पिंजरा बन चुकी है। ये हमारा एक मतलब क्या बोले, कोई घर समान नहीं है। ये रूम सबसे छोटा कैसे बनाया मुझे नहीं पता, ये रूम बोरे सबसे छोटा होगा। कौन वाला सबसे छोटा होगा गणेश जी? कौन वाला रूम आड़ा टेढ़ा हो गया, ये वाला क्या, ये वाला? दोस्तों ये वाला जो एक रूम बनेगा वो सबसे छोटा हो गया है। हमारा जो बरंडा था वो ऐसे ही बनेगा, वो भी इतना होता पतला जैसा गली जैसा वो बरंडा हो गया है। जो हम लोग किचन बनाने के लिए सोच रहे थे ये हमारा किचन था, जो किचन बनाने का सोचे थे वो सबसे बड़ा रूम हो गया है। और इधर से जो मम्मी वाला अच्छा सा एक रूम सोचे थे वो ठीक है, वो सिर्फ ठीक है, बाकी सब तितर मितर हो गया है, बिजली कड़क रही है। तो दोस्तों ये हमारा आज का काम हुआ। और फिर एक गड्ढा दिखाती हूँ, गड्ढा जैसा का गड्ढा है, ऊपर सलाखा बिछाया हुआ है। अब इस गड्ढा को भरण करने के लिए भी बुलाना आज गए थे ढूंढने, लेकिन मिला नहीं। अब इसको भी भरना पड़ेगा, नहीं तो मैं और गणेश जी टोकरी उठा के दोनों लग जाएंगे, वही काम करेंगे। गणेश जी भी बोल रहे कि हम दोनों लग जाते हैं बाबा, नहीं कोई मिल रहा है तो हम ही लोग दोनों ये काम करके ख़त्म कर देते। तो वही सोच रहे कि काम करके हम दोनों ही ख़त्म कर दे। और देखने से ही मतलब इतना बड़ा गड्ढा हो के, गड्ढा करके इसका पैसा लगा के फिर इसको भोतना महामुश्किल का काम है, लेकिन करना पड़ेगा। तो ये वाले जो एक देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला दोनों अलग अलग रूम नहीं है, दोनों मिल के हॉल बनेगी। ये दोनों हॉल बनाएंगे मिला के, क्योंकि वो जो सरकाए ना उस वजह से ये हो गया पतला। आज पहले ठीक था, लेकिन हम लोग बोले थे वहाँ पर 2.5 फुट छोड़ने के लिए, 2.5 फुट छोड़ा ही नहीं था, तो वो अब थोड़ा सा हो गया छोटा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। घर एक बार बनती है, लेकिन सबसे जो खराब घर बनेगा वो हमारा ही बनेगा। तो दोस्तों आज से जो भी काम होगी उनके साथ रहूंगी मैं, और अपना एड़ी चोटी एक कर दूंगी, और कोशिश करूंगी कि खराब हुआ है फिर भी मेरा घर अच्छा से अच्छा बने। दोस्तों अभी हम लोग घर आ चुके हैं और हमारी नोनो हमारे साथ है, और नोनो सुनाएगी एक पोयम, सुनाइए। काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दम पे जो मारा तोड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। अरे नोनो घोड़े के दम पे जो मारा तोड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। मानी के ऊपर बोलेगी भजन। नानी तेरी चोरनी को चोर ले, नानी तेरी चोरनी को चोर ले, दादी जो बच्चा चोर ले गए, बाकी जो बच्चा ये कंजूसी छोड़। फिर से हम लोग नहा धो के रात में वीडियो एंड कर रहे हैं कि हमको जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब हम रास्ते से आ रहे थे तो इतनी बारिश आई कि हम लोग ऐसी बारिश आई कि हम नहा लिए। आज अभी भी बिजली बारिश आई, इतनी बारिश आई कि हम तो ये सोच रहे थे कि इस पानी में हम बह न जाए। दोस्तों सच बताऊं हमारी झोपड़ी फिर से ऊपर का पूरा एकदम उड़ गया है, बहुत हवा चली। अभी कल को हमको तो, लग रहा है ये तो शुक्र मनाओ कि हम नहीं उड़े, हम भी उड़ने वाले। और कुछ तीन लड़के तो इन्होंने देखा कि उड़ गए, बाद में पता चला उड़ नहीं उड़े। दोस्तों मैं उड़ सकती हूँ, आप ही लोग बताइए क्या आपके जीजाजी उड़ सकते हैं? नहीं नहीं मैं नहीं उड़ सकती। तो मैं वेट काफी। दोस्तों हमारा काम आपने देखा है कितना हुआ है कितना नहीं, और अभी हम लोग काम सोच रहे हैं स्टॉप रखेंगे, और एक हो सके तो प्यार के महल बोले तो एक झोपड़ी बना लेंगे। और झोपड़ी बनाने का कारण ये है कि वो झोपड़ी अच्छा से बनानी है, बार बार उड़ जा रही है, उड़ जा रही है। रात में कोई पी के आया था, उन लोगों से बनवाया था, ये 3-4 लोग थे,
फिर से बनवाना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो में यही पर एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया। पसंद आया प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू आए तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाय बाय। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय। बाय बाय ऐसे होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड।